हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट सागा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओरियो क्रीम कपकेक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के रेसिपी के लिए। ओरियो क्रीम कपकेक बनाने के लिए हमें ओरियो बिस्किट चाहिए 10 से 15, 1-2 टेबलस्पून लेमन जूस और आधा लीटर दूध। इससे 2-4 सर्विंग्स आसानी से बन जाती है। क्रीम चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे और जैसे ही हमारे दूध को उबाल आने लगेगा इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस हमें धीरे धीरे ऐड करना है ताकि हमारा जो दूध है वो अच्छे से फटे और जब उससे क्रीम चीज़ मिले तो वो सॉफ्ट लगे। अभी हमारा दूध पूरी तरीके से फट गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करना है और बाद में हमें इसे अच्छी तरीके से स्ट्रेन करना है। क्रीम चीज़ को स्ट्रेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन क्लॉथ लिया है। अभी कॉटन क्लॉथ की सहायता से हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर देंगे। अभी क्रीम चीज़ को अच्छे से हमने स्ट्रेन कर लिया है। अभी इसे हमें एक बार ही पानी से धोना है ताकि इसमें जो भी लेमन टेस्ट है वो चला जाए। अभी हमारा क्रीम चीज़ रेडी हो चुका है। इसे हमें कॉटन क्लॉथ में ही 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना है। अभी हमारा क्रीम चीज़ सेट हो चुका है। अभी हमें इसमें सबसे पहले बटर ऐड करना है। बटर ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है। आप आपके टेस्ट अनुसार इसे ऐड कीजिए। इस मिक्सचर को हमें अच्छी तरीके से ग्राइंड करके लेना है। अभी हम हमारे कपकेक का बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। ओरियो बिस्किट्स को सबसे पहले हमें क्रम्बल करके लेना है। यहाँ पे हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, बस हमें इसे क्रम्बल करके रहना है। अभी हमारे बिस्किट्स अच्छे से क्रम्बल हो चुके हैं। अभी चलिए फिर हमारा कपकेक बनाने के लिए शुरू करते हैं। अभी हमारे क्रम्बल किए हुए जो बिस्किट्स है वो हम एज अ बेस सबसे पहले बोल में ऐड करेंगे और उसे लाइटली पेस्ट भी करेंगे। अभी हमारा पेस्ट बन चुका है। इसके ऊपर हम जो फिलिंग करने वाले हैं वो है हमारी क्रीम चीज़ की। जो हमने मिक्सचर ग्राउंड किया था वही मिक्सचर को हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अभी हमारे कपकेक को हमें गार्निश करना है। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे बिस्किट क्रम्स एज वेल एज चॉकलेट चिप्स यूज़ किए हैं। अभी हमारे कपकेक को हमें सेट होने के लिए 2-3 आवर के लिए रेफ्रिजरेट करना है ताकि इसका जो बेस और जो क्रीम चीज़ है वो अच्छे से सेट हो जाए। अभी हमारा कपकेक रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ये जो कपकेक है वो रेडी हो चुका है और ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.